और अब आपको बताते हैं कि महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा था। हम सबके अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। और मनोज झा के इसी बयान पर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी नेता नीरज बबलू ने भी हमला बोला है। ठाकुर वाली कविता पर बबलू ने साधा निशाना, मेरे सामने बयान दिया होता तो मैं मनोज झा का मुंह तोड़ देता, ये कह रहे हैं नीरज बबलू, बीजेपी के नेता। ठाकुर कोई राक्षस या रावण नहीं है, अपने अंदर के ब्राह्मण को मारे मनोज झा। समाजवाद और ए टू जेड का पार्टी होने का दावा करने वाली राजद के अंदर ठाकुर यानी कि एक जाति को लेकर घमासान मचा है। हमारे साथ उसी जाति के लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू जी हैं। बबलू जी, राजद के अंदर घमासान मचा है। बिहार में वैसे तो जातीय जनगणना हो रही है या हो गई है, जाति जाति, और कहा जाता है बिहार के लिए कि जाति है कि जाति नहीं, लेकिन मनोज झा ने संसद में ठाकुरों को लेकर, कुआं ठाकुर का, खेत ठाकुर का, तो बाकी लोगों का देश में क्या है, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, मनोज झा जी का जो बयान है वो काफ़ी चिंताजनक और दुखद बयान है, और उनके बयान से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये प्री प्लान्ड बयान है और कहीं न कहीं किसी समाज को टारगेट करने का, बदनाम करने का ये बयान प्री प्लान्ड बयान है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए, कविता अलग चीज़ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए, इसका मतलब क्या है? ठाकुर इसका मतलब राक्षस है, ठाकुर इसका मतलब रावण है। आप कहते हैं कि हमको अपने अंदर का रावण को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए, तो आप राक्षस और रावण वाले जगह पर ठाकुर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काफ़ी दुखद है, काफ़ी चिंताजनक बयान है। अगर इस तरह का बयान मेरे सामने दे तो मैं पटक के मुँह तोड़ने का काम करता, ये काफ़ी दुखद बयान है।